बनारस की ठेली वाली आलू अगर एक बार आप लोगों ने खा लिया ना, तो इसका स्वाद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतना ज़्यादा चटपटा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनता है ना कि इसका कोई भी जवाब नहीं है। आज इसी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम आलू को बॉईल कर लिया है। आलू में कुछ छोटी आलू भी है और बड़ी आलू भी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके छिलके को हम अलग करेंगे, उसके बाद इसके डिज़ाइन के हिसाब से इसको कट करेंगे। जो बड़ा वाला है उसको 4 पार्ट में कट करेंगे और जो छोटा वाला है उसको 2 पार्ट में कट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम डेली जो तेल यूज़ करते हैं वही डालेंगे, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हमेशा हम डालते हैं, आधी छोटी चम्मच। जीरा, क्योंकि थोड़ा जीरा भी इसमें दिखता है, जीरा आलू की तरह बिल्कुल। और अब ये बॉईल आलू को हमने काट रखा हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बड़ी है उसको 2 पार्ट में, जो छोटी है उसको 2 पार्ट में, और जो थोड़ी बड़ी है उसको 4 पार्ट में कट करेंगे हम। ठेली वाले कैसे बनाते हैं आलू को जो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें, क्या क्या चीज़ें उसमें पड़ती है ये आपको मालूम चल जाएगा। इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है बहुत कम समय में। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए या फिर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप ये बहुत ईजिली बना करके खा सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। एकदम मूड चेंज हो जाएगा, इतना ज़्यादा चटपटा और स्वादिष्ट होता है ये। धीरे धीरे पलटते हुए हमने इसको फ्राई कर लिया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में हम 1 बड़ी चम्मच अदरक बारीक कटी हुई और 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन को डाल देते हैं। तेल को हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है और ना ही हमने तेल को अलग किया है, उतने ही तेल में हम 2 बड़ी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें तीखा और कलर दोनों ही लाल मिर्च ही देगा। 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर फ्लेक्स गोल मिर्च, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। हल्दी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। चाट मसाला 2 छोटी चम्मच, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, चटपटा है तो चाट मसाला चाहिए ही। और ये है भुना हुआ धनिया 2 छोटी चम्मच, धनिया को भून करके कूटा गया है। और स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रहे कि चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा सा कम डालिए, अगर नमक ज़्यादा पड़ जाएगा तो कोई खाना नहीं पसंद करेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कलर देख के आपको लगे कि हल्दी डालने की वजह से थोड़ा कम कलर लग रहा है तो फिर से ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दीजिए, क्योंकि कलर पूरा भर भर के आता है ठेले वाले आलू में और उसी तरीके से आनी चाहिए, वरना ये पूरी तरीके से आलू की सब्ज़ी या फिर आलू का भुजिया लगेगा। थोड़ी देर इसको तेल में आधे मिनट तक पकने देते, एकदम लो फ्लेम में। अब ये पूरी तरीके से पक के तैयार है तो हमने जो फ्राई करके आलू रखा हुआ है वो इसमें डाल लेते हैं। लीजिए ये भी डल गया। अब इसको हम पहले तो मिला लेते हैं एकदम आराम से, क्योंकि बॉईल किया हुआ ये आलू है, आलू टूटे ना। बहुत ही ईजिली इसको फटाफट नाश्ते में बनाया जा सकता है, कुछ भी चटपटा चाट जैसा खाने का मन हो तो घर में बहुत ईजी तरीके से इसको फ्रेश तरीके से घर में बना करके खा सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 1/2 लेमन जूस, ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, यही बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए नींबू का रस ज़रूर से डालिए। अगर आपके पास सोया सॉस या फिर चिली सॉस है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। हमने कोई भी ऐसा पदार्थ यूज़ नहीं किया है इसलिए हम लेमन जूस डाल के बना रहे हैं। लेमन जूस डाल करके बनाइए, मज़ा आ जाएगा खाने में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा ये। तो लीजिए गर्मा गर्म तैयार है हमारा चटपटा सा बनारस की ठेली वाली आलू। ये आलू की रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा पसंद तब आएगी जब इसको आप बना करके खाएंगे। तो ज़रूर से बनाइए और इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर से करें।